सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी राग सूही शांत महला पंजवा कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन बावरे तू काए देख पुलाना सुन बावरे नेहो कूड़ा लायो कुसंब रंगाना सुन बावरे तू काए देख पुलाना सुन बावरे नेहो कूड़ा लायो कुसंब रंगाना कूड़ी देख पुलो अड लहना मुलो गोविंद नाम मजीठा ही वह लाला पात गुलाला शब्द चीन गुर मीठा मिथिया मोहे मगन थी रहिया झूठ संग लपटाना नानक दीना सारण कृपा निद राख लाज भगताना मिथिया मोहे मगन थी रहिया झूठ संग लपटाना नानक दीन सरण कृपा निद राख लाज भगताना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद हे प्राणनाथ गोविंद है कृपा निधान जगद गुरु हे संसार ताप हरण है करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाल है दीनानाथ नया करो शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव है
परम सन्मान आवर साहिब कमाल बारगाहे इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहिब सहाबा ज्योत रूप हराप मेहमान दे मालक तन तन गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमई कदमां च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत गुरुदेव जी दी महान इनायत दा सदका साढ़े सारयां दे सिर ते मरहमतमई रखे हथ दा सदका जीवन दा अज दा दिन भी प्राप्त होया और इस नवें दिन दी जो नवें जन्म समान है शुरुआत करन दा बल भी साहिब जी ने ज्यौंदे जागदे बोलदे सुनदे महिमामई अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे प्रदान किया है। सतगुरु जी दी महाबाणी सर्वत्र आशा पूर्ण करण हार श्री आशा की वार दे गायन बड़े प्रेम सहित आप जिया ने सरवण किते ने ते फिर साहब जी दे दर तो प्राप्त होए मुबारक हुक्मनामा सदाए बारगाह दा पाठ आपने प्रेम सहित सरवण किया है। सारे संसार दे जिथे भी किधरे गुरु नानक दा सिख मौजूद है वो सब तो पहले सवेरे उठद्या सार श्री दरबार साहब जी का हुक्मनामा सुनदा है और श्रद्धा नाल श्री अमृतसर साहब जी का हरिमंदर साहब जी का ध्यान करके नमस्कार करता है। शरीर करके हजारा मीलां की दूरी भावें होवे पर हिरदा सिख दा हर रोज हरिमंदर साहब दे दर्शन इशनान कर लैंदा। इन्हां मुबारक बचना दी विचार राही मन गुरु चरणा नाल जुड़ सके एकाग्रता अदब ते आनंद दी दात चोली च पै सके। इसलिए जितने माता प्राता हाजरीन हाजरी भर रहे हो पेशतर गुरु नानक देव जी दे श्री चरण कमलां दा ध्यान करदियां ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु नानक देव जी दे श्री चरण कमलां ते टिकिया है ते साहिब जिया ने मेहर भरिया हथ साडे सिर ते रखिया होया। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदिया चरण चुमदिया होया गुरु की मुबारक फतेह राही सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे ए महाबोल जो काफी थाट दा राग है सोही राग इस विच धन धन गुरुदेव पंचम पातशाह गुरु अर्जन साहब जी ने एक ताले विच गाउण दी आग्या करद्या इशारा करद्या ए बोल आखे हन। सुन बावरे तू काए देख भुलाना सुन बावरे नेहो कूड़ा लायो कुसंब रंगाना। दो विचार मेरे साहब जी ने इस पावन पंक्ति द्वारा आखे ने। महाराज इस विच दो रंगां दी उदाहरण देंदे ने एक कुसंबे दा रंग कसुंबे दा रंग ते एक मनजिस्ता मजीठ दा रंग।
ਕੁਸੁੰਬੇ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਈ ਇਹ ਸਣ ਭੰਗੁਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਸੰਬੇ ਵਰਗਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਟਕ ਬੜੀ ਹੈ, ਮਟਕ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੜਕ ਭੜਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਕੁਸੰਬੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਧੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਚਾਰ ਬੂੰਦਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜਲਦੀਆਂ ਬਰਸ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੰਗ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੱਚਿਆਈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਣ ਭੰਗੁਰਤਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਥੋੜ ਚਿਰੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਅਗਨੀ ਸਿਖਾ ਵਰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਅਗਨੀ ਦੀ ਲਾਟ ਦਾ ਸਿਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਦਾ ਰੰਗ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਰੰਗ, ਇਸਦੀ ਸੁਗੰਧ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਸਦਾ ਰੰਗ, ਇਸਦੀ ਚਟਕ ਧੜਕ ਝਟਪਟ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਖਾ ਖਿਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪਦਾਰਥ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੜਵਾਹਟ ਦਿਖਾਈ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਖੀਰ 'ਤੇ ਖਾਕ ਦੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਾ ਗਈ ਆਸਮਾਂ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਿਨਕੇ ਡੰਕੋਂ ਸੇ ਗੂੰਜਤੇ ਥੇ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਆਸਮਾਂ, ਚੁੱਪ ਪੜੇ ਹੈ ਕਬਰ ਮੇਂ ਅਬ ਹੂੰ ਨਾ ਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਧਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾ ਸਵਾ ਮਨ ਦਾ ਜਨੇਊ ਦਾ ਤੋਲ ਕਰਨਾ, ਜਨੇਊ ਉਤਾਰਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਈ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਜ ਨਾ ਤਖਤ, ਕੁਛ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਣ ਭੰਗੁਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਸੰਬੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੋਲ ਆਖੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਬਾਵਰੇ ਤੂੰ ਕਾਏ ਦੇਖ ਭੁਲਾਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤੜਕ ਭੜਕ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਕਾ ਚੌਂਦ ਦੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਬਾਵਰੇ ਤੂੰ ਕਾਏ ਦੇਖ ਭੁਲਾਨਾ, ਸੁਣ ਬਾਵਰੇ ਨਿਹੋ ਕੂੜਾ ਲਾਇਓ
कुसंब रंगारना, एवें कूड़ नाल अपना प्रेम पा बैठा। कूड़ा दा मतलब होंदा है जिसनू असी वरतों विच नहीं लिया सकते, जिसनू सहज वरतों विच ना लिया जा सके, उसनू कूड़ा आख्या जांदा है। ते फिर मैं अर्ज करा, कूड़े नू घर विच थां नहीं देईदा, कूड़े नू वखरा रखिया जांदा है, कूड़े नू होंज के साफ करके लोकी बाहर सुट देंदे ने। ते जे किसे दे घर दे सामने कोई कूड़ा रख देवे ना, ते अगला मुकदमा करन तक जांदा है, भई मेरे घर दे सामने कूड़ा खिलार देता। कूड़ा अपने घर विच ते परवान नहीं है, घर दे दरवाजे दे सामने भी कूड़ा होवे ना, ओ भी मनुख नू परवान नहीं। ते घर दे सामने ते किधरे रह गया, किधे रस्ते विच जा रहा होवे ते नाल कूड़े दा ढेर होवे, कूड़ा दिखाई पै जाए, फिर मनुख की करदा है, अपनी नासका ते कपड़ा रख लैंदा, अपना सा रोकदा, बई ए मलीन हवा, ए कूड़ावी हवा श्वास राही मेरे अंदर प्रवेश ना कर जाए। कूड़े नाल मनुख दा मन कदी भी सहमत नहीं होया, पर इसनू बाहर दे तल दा कूड़ा दिखाई पिया। बाहरों कूड़ा शरीर नू लग जाए रोग दा कारण बनता, भैड़ियां चीजां भोजन विच मिल के कूड़ा अंदर चला जाए बीमारियां दा बायस बनता है, मनुख भयानक रोगां नाल ग्रस्त हो जाता है। पर मैं अर्ज करा, अवगुणा दा कूड़ा मनुख लोकां दा कट्ठा कर करके अपने घर लई आउंदा, अपने घर विच जमा करदा है। किसे दी कोई निंदा करे ते बड़े ध्यान नाल सरवण करता है, फिर एक दे नाल चार होर जोड़ लैंदा है। इतना लोकां दा कूड़ा करकट ये जमा करके अपने हिरदे नू भर लैंदा है। अवगुण जमा हो जांदे ने ते महाराज कहंदे फिर पुरखा, इस कूड़ावे अवगुणा सदका तू अपने निज घर लई रवानगी नहीं पा सकेगा, अपने आत्मा अवस्था लई अपने आत्म स्वरूप दे दीदार वाल तेरा चलना ही नहीं होवेगा। क्योंकि जिस मनुख दे पैर बन देवीए, पैरां नू बेड़ियां आदक पा देवीए, ऐसा मनुख एक कदम भी नहीं चल सकता, संगल बजे होवन नहीं चलिया जा सकता। महाराज कहंदे ते संगलां विच ही अपने आप नू मड़दा पिया, नानक औगण जेतड़े तेतड़े गली जंजीर, ये सारे जंजीर तू अपने गल विच पाउंदा पिया है। दूजियां दे अवगुण इकट्ठे करने, पुरखा ए कूड़ा इकट्ठा करना, इस नुक्ते नू समझण दा यतन करना। जिवें बाहर दे तल ते स्वच्छता जरूरी है, पाकीजगी जरूरी है, सफाई जरूरी है, तुसी जद भी श्री हरिमंदर साहब जांदे हो परिक्रमा करदे हो, उस वेले थानू दिखाई पै जाएगा श्रद्धावान हिरदे, प्रेम भिजे हुए हिरदे महाराज जी दीआं परिक्रमा की सेवा कर रहे हो। हर की पौड़ी विच देखो हर वेले सेवा चल रही हुंदी है। मैं अर्ज करना चाहता हाँ, इस सेवा ये महाराज जी दे घर नूं समर्पित होके कीती हुई सफाई आदक ये बाहरों अस्थान नूं ही शुद्ध नहीं करदी, अपने हिरदे नूं भी शुद्ध कर देंदी, मन दी मैल भी उतार देंदी है। ते सेवा करदिआं करदिआं नाल सिमरन चल पए ना, फिर समझो सफाई दुगनी अवस्था स्पीड नाल चल पई। बड़े गहरे बोल ने मेरे साहब जी ते, फरमान करदे हुए कहंदे प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए। जे करता पुरख दे नाम नाल तेरा नाता जुड़ जाए
फिर एक गल है कुसंबे दे रंग दा त्याग करना पड़ेगा, दूजियां दे अवगुण देखने इस भाव दा त्याग करना पवेगा, क्योंकि अज तक जो भी वस्तु साढ़े हाथ विच आई है, बड़े ध्यान नाल सुनना, बड़ा कीमती नुक्ता है, जो वस्तु साढ़े हाथ विच आई है, जो वस्तु साढ़े घर विच आई है, साढ़े जीवन विच आई है, वो ताई आई है क्योंकि वो पहले सानू दृष्टि पई होवेगी, पहले साड़ी नजर विच आई होवेगी, साड़े देखण विच आई होवेगी। तुसी अपने परिवार दी, अपने घर दी, अपने जीवन दी एक भी वस्तु देखो, ध्यान नाल देखो, जिसनू थोड़ी नजर ने ना कबूलिया होवे ते बिना कबूलण दे थोड़े घर विच आ गई होवे, एक भी वस्तु ऐसी नहीं, एक भी साजो समान ऐसा नहीं है। मैं अर्ज करां बिल्कुल इस तरह, जे दूजियां दे अवगुण दृष्टि ना पैण फिर एक भी अवगुण हिरदे विच प्रवेश नहीं करेगा, जे दूजियां दे गुनाह ना देखिए फिर एक भी गुनाह अंदर प्रवेश नहीं करेगा। हां एक दूजा नुकता है, जे गुनाह देखण नूं दिल करदा है पुरखा फिर अपने गुनाह देखिया कर, दूजियां दे गुनाह देखेगा तेरा हिरदा अवगुणा दा महासागर बन जाएगा, गुनाहां दा महासागर बन जाएगा। ते जे अपने अवगुण तेनू दिखाई पैन लग पैन फिर तेरे हिरदे विच एक भी अवगुण नहीं रहेगा ते तेरा हिरदा महागुणा दा सागर बन जाएगा। ते जिन्ने महागुण वधदे जाण, प्रेम वधदा जाए, इखलाक महान हुंदा जाए, दया भाव वधदा जाए, दूजे नूं सुख देण दा भाव वधदा जाए, उतनी परमात्मा दी नेड़ता बन जांदी है। गुण कहो हर लहो, गुण कह गुणी समावणिया, परमात्मा दा रूप हो जाएगा। इसलिए अवगुण देख जरूर पर दूजियां दे नहीं, अवगुण अपने देखिया कर, गुण देख जरूर पर गुण अपने नहीं, गुण दूजियां दे देखिया कर, शुभ गुण दूजियां विच देखिया कर। अमृत लबरेज बोल ने मेरे साहब जी, कूड़े नाल क्यों संबंध जोड़दा है, कुसंबे नाल क्यों संबंध जोड़दा है, जे संबंध जोड़ने ते मंजिस्टा वेल विचों निकलन वाला रंग जिसनू मजीठ कहंदे ने, वो शुभ गुणा दे मजीठ रंग नाल अपना जीवन रंग लै। बड़े सोहणे इक आलम दे दो बोल ने साडे देश दे आखरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, ये बोल मैं आप नाल गाहे बगाहे सांझे करदा रहता, बड़े कीमती उसके बोल ने और काबले कबूल ने, विचारशीलता प्रदान करते ने। वो कहते जब ना थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर, जो अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह तो जहां में कोई बुरा ना रहा। बस ये है संसार नूं पवित्र करन दा तरीका,